नमस्कार। प्यार और कर्तव्य पर विश्व साहित्य अनेक कहानियों से भरा हुआ है। आज पेश है इसी विषय से संबंधित कहानी प्रेम विलन। हंगेरियन कथाकार कैरोली किसफालूडी की लगभग 200 वर्ष पुरानी कहानी का अंग्रेजी अनुवाद है द असिग्नेशन। उसी पर आधारित है आज की कहानी प्रेम मिलन। मेरी रेजिमेंट की तैनाती कोमो झील के पास थी। यहीं से हमें फ्रांसीसी सैनिकों के साथ डारवाड़ी ब्रिगेड की सहायता के लिए जाना था। यहां मेरी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई जो सेना में मेजर था। कोमो झील के पास बसे छोटे से कस्बे में हमने कई महीनों तक मजे किए। इसकी एक बड़ी वजह तो यही थी कि हमारे जांबाज सैनिकों की इटालियन सुंदरियों से करीबी दोस्ती हो गई थी। इस दोस्ती का जिक्र अक्सर होता रहता था, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा दोस्त मेजर ही अकेला अपवाद था। वो गंभीर किस्म का कम बोलने वाला इंसान था। वो उनमें से नहीं था कि किसी महिला के साथ कुछ दिन तक मौज मस्ती की और फिर दूसरी के साथ चल दिया। वो किसी और ही चीज़ का बना हुआ था। लेकिन वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन मेजर एक लड़की को दिल दे बैठा। रात में जब हम खाने पीने के बाद सुंदरियों के साथ मौज करते, तब वो अपनी प्रेमिका की खिड़की की तरफ देखता रहता। ऐसा नहीं था कि केवल मेजर ही मोहब्बत की गिरफ्त में था, वो प्यारी जवान सुंदरी भी उससे प्यार करने लगी थी। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि मेजर हम सब में सबसे सुदर्शन और शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। हमें यह भी पता था कि मेजर की तरफ से उस लड़की के माँ बाप से मिलने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। उन दिनों प्यार मोहब्बत और शादी ब्याह अलग अलग ही होते थे। वैसे भी शादी के मामले में लोग तब सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सैनिक उनके लिए घुमक्कड़ किस्म का होता था, जो एक दिन एक देश में तो दूसरे दिन दूसरे देश में रहता था। अगर सैनिक विदेशी हो तब तो करेला नीम चढ़ा वाली बात हो जाती थी। अब इस तरह के मामलों में माँ बाप उत्साहित न दिखाई दें तो उनको भी क्यों दोष दिया जाए। प्यार मोहब्बत के मामले में हम सैनिकों में नैतिकता भी तो थोड़ी ढीली होती है। फिर प्यार करने के लिए चर्च की अनुमति जैसा कुछ तो सैनिकों को चाहिए नहीं था। लेकिन कहा गया है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। हमने मेजर को प्यार में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया और वो शायद काफी आगे बढ़ भी जाता, लेकिन लड़की का मानना था कि उन्हें सामाजिक नैतिकता का पूरा पालन करना ही चाहिए। उसे समझाने की कोशिश की गई कि प्यार के अपने उसूल होते हैं, अपना आनंद होता है, लेकिन उसने एक न मानी। वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि वो तभी खुश रह सकेगी जब वो बाकायदा मेजर की पत्नी बनकर उसके साथ रहेगी। शायद मेजर ऐसा कर भी लेता, लेकिन लड़की को कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला जब वो अकेले मेजर के साथ कुछ देर रहकर बातचीत कर ले। कहीं से भी कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। मेजर पहले से भी ज्यादा गुमसुम रहने लगा। हमारी पार्टियों में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो किसी के निमंत्रण पर भी कहीं नहीं जाता था, पर वो अक्सर उस बड़ी कोठी में जाया करता था जहां उसकी प्रेमिका हमेशा एक बूढ़ी महिला के संरक्षण में होती। उसे अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। कभी कभी किसी डांस पार्टी में बूढ़ी महिला का ध्यान भटकने पर वो एक दो शब्द आपस में बोल लेते। बस कई महीने बीत गए, लेकिन मेजर की प्रेम की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। लड़की के माँ बाप अब अपनी बेटी की मोहब्बत को समझने लगे थे और उन्होंने जल्दी ही कोई कदम उठाने की ठान ली। उन दिनों में माँ बाप के कदम उठाने का मतलब होता था कि अब अपनी लड़की के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया जाए। वही हुआ। लड़की को लड़के के बारे में बताया गया। लड़की रोई धोई, माँ बाप नहीं माने और शादी की तैयारियां होने लगीं। जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो उसी कस्बे के अमीर बाप का बेटा था। समाज में उसका अच्छा खासा रसूख था और जान पहचान थी। लेकिन जितना उस लड़के के बारे में लड़की सुनती, उतना ही उस लड़के से वो घृणा करने लगती। मेजर के लिए उसकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। उसने माँ बाप से मिन्नतें की, उनके सामने रोई, लेकिन सब बेकार रहा। यही कहा जाता, अगर लड़कियां अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेंगी तो इस दुनिया का क्या होगा। शादी का दिन निश्चित हो गया, तैयारियां शुरू हो गईं। लड़की खुलकर विद्रोह करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसके अंदर तूफान खड़ा हो गया था। उसने अपनी एक विश्वासपात्र नौकरानी के हाथ मेजर को संदेश भेजा। उसने मेजर से कहा कि शादी से पहले वाली रात वो उसके कमरे में आकर उससे मिले। उसने ये भी बताया था कि वो अपनी खिड़की पर एक सफ़ेद रुमाल बांध देगी, जो इस बात का संकेत होगा कि वो बेरोक टोक उसके कमरे में आ सकता है। उसने लिखा, मैं बहुत हताश होकर लिख रही हूँ। इससे पहले मैं अपने कौमार्य की रक्षा करते हुए कुछ नहीं कह पा रही थी, लेकिन मैं अपने प्यार और केवल तुम्हारे लिए ही ये कदम उठा रही हूँ। आखिर शादी का दिन भी आ पहुँचा, लेकिन
शाम होने से पहले ही जनरल की ओर से एक संदेशवाहक संदेश लेकर आया। संदेश में लिखा था कि रेजिमेंट तुरंत गिनोवा की ओर कूच करेगी ताकि डारवाड़ी ब्रिगेड पर बाईं दिशा से दुश्मन के संभावित आक्रमण के दौरान सहयोग दिया जा सके। तुरंत निकलने के आदेश थे। उसी दिन उसी घंटे में जब एक अधूरा सपना पूरा होने वाला था और प्यार सफल होने वाला था, ये अभागा संदेश आ गया। खुशियों के जो दरवाजे खुलने ही वाले थे वो हमेशा के लिए बंद हो गए। मोहब्बत के मिलन के लिए तैयार मेजर को दूसरे ही तरह के मिलन के लिए तैयारी करनी थी। वहां सब कुछ था लेकिन प्यार, आलिंगन और चुंबन नहीं थे। मेजर के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, तुरंत प्रभाव से क्यों, सुबह क्यों नहीं निकला जा सकता, या आधी रात के बाद क्यों नहीं, अभी निकलने का क्या मतलब है, क्या दुश्मन से मिलने के लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत है, क्यों इस कूच को एक दिन या कुछ घंटों के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता, क्या किसी और बहाने से देर नहीं की जा सकती, अगर संदेशवाहक किसी वजह से 6 घंटे देर से पहुंचता तब क्या होता। यह भी तो हो सकता था कि दुश्मन की गश्त से, खराब सड़क से या फिर रास्ता भटक जाने के कारण संदेशवाहक देर से पहुंचता, तब उस देरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाता। प्यार और कर्तव्य के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह स्थिति कुछ ही देर के लिए चली। अगर अभी नहीं निकले तो कई साथी सैनिकों के मारे जाने की पूरी आशंका है। दुश्मन को इस देरी का बहुत फायदा मिल सकता है। थोड़ी सी देर की कीमत युद्ध में हार भी हो सकती है। मेजर के अंदर से आवाज आ रही थी, उठो सैनिक उठो, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तुम्हें कूच करना ही होगा। मेजर ने कूच के आदेश दे दिए। जब शाम को तारे आसमान में दिखाई देने लगे, सैनिक अपने लाव लश्कर के साथ कस्बे के बीच से होते हुए निकल रहे थे। जब वो लड़की के घर के पास से गुजर रहे थे, पेड़ों के झुरमुट में छिपी चिड़ियां चहक रही थीं। बिगुल को शांत रखा गया था क्योंकि मेजर को डर था कि बिगुल की आवाज से चिड़ियां डर जाएंगी। मेजर सोच रहा था कि उसके इंतजार में खोई महबूबा को चिड़ियों के चहकने का आनंद उठा लेने दिया जाए। खिड़की पर सफेद रंग का रुमाल बंधा हुआ था। उदास सा रुमाल रुकी हुई हवा की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था और निर्जीव सा लग रहा था। रेजिमेंट चुपचाप सोते हुए कस्बे को पीछे छोड़कर निकल गई। शाबाश मेरे जवानों, तेजी से चलो, जल्दी करो, शाबाश। कस्बे के बाहर छोटी सी पहाड़ी पर खड़े मेजर ने सैनिकों को निर्देश दिया और पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखा। खिड़की से बंधा रुमाल अब हवा में हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अलविदा कह रहा हो। वो कस्बे से बहुत दूर निकल आए थे, केवल घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी। दुश्मन अभी बहुत दूर था। मेजर ने अपने दूसरे मिलन को निभाया। वो अपने सैनिकों के साथ एकदम सही समय पर सहायता के लिए पहुंच गया था। अगर वो आधा घंटे भी देर से चलता तो ब्रिगेड के बाएं हिस्से का सफाया हो जाता। मेजर ने सही समय पर पहुंचकर अपने साथियों को जीत दिला दी, लेकिन अपनी जान की बाजी लगा दी। वो युद्ध भूमि में नीचे जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने अपने और अपने सैनिकों के सम्मान को नहीं गिरने दिया। कस्बे में रुमाल अभी भी खिड़की पर बंधा हुआ हवा में अटखेलियां कर रहा था। मेजर के शव को अंतिम संस्कार के लिए कस्बे में लाया गया और हम जो लोग सब जानते थे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि एक लड़की का सम्मान भी चमत्कार से सुरक्षित रह गया।